हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। ये एक वीडियो आ, इस वीडियो नूं देख के तुसी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हो किवें एक करोड़पति दुनिया का सब तो दुखी इंसान बन जाता है। इन्नी लग्जरी लाइफ जीन तो बाद, लग्जरी गड्डियां विच घूमन तो बाद, बाहरले देशों विच घूमन तो बाद इस इंसान नाल की हुंदा है। सड़कां ते आउण वाली गल है, ते इत्थों ये भी पता लगता कि जदों शरीर ने ही साथ नहीं दिता फिर भावें साढ़े कोल करोड़ों की दौलत होवे उसका कोई फायदा नहीं। तो आओ वीडियो देखते हैं। 1 करोड़ का इनाम मिला था और एक मर्सिडीज मिली 2007 में। जी बिल्कुल। तो वो मर्सिडीज भी इलाज पर लगी? वो भी इलाज पे लगी, गाड़ी भी लग गई, पैसे भी लग गए और जितने भी वर्ल्ड टूर्स करते थे सब कुछ जो मेरे। किन किन ममालिक में गए? तकरीबन पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह फिरी, अमेरिका, लंदन, कनाडा। कॉन्सर्ट के कितने पैसे लेते थे? 5 लाख तो कम से कम 5 लेता था, ज्यादा से ज्यादा 12 लाख। इतनी महंगी गाड़ियों में भी आप घूमते रहे हैं, कभी जिंदगी में सोचा था कि बिल्कुल ही चारपाई के साथ ही लग जाऊंगा? ये कौन सोचता है ऐसा, तो बस बता नहीं सकता हूँ। हफ्ते में कितने ये डायलिसिस होते हैं? 3 तो मस्ट होते हैं, 24 घंटे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। तो बहुत पेनफुल होते हैं ये तो? 4 हो जाते हैं हफ्ते में। ब्लड की बोतलें भी लगती हैं? हर डायलिसिस पे ब्लड की बोतल, इंजेक्शन, विनोफर। और तो जब कभी अगर ब्लड ना लगे तो तबीयत खराब हो जाती है, सांस प्रॉब्लम हो जाती है। शादी हुई है? 2 बेटे हैं, शादी हुई। लव मैरिज की थी? लव मैरिज की थी। बच्चे दोनों वो सेहतमंद हैं? एक बेटा माशाल्लाह सेहतमंद है, 3.5 साल का है। एक बेटा 2 साल का है, उसको पैदाशी आंतरियों का मसला है, उसकी आंतरियां खराब हैं दोनों, उनका अलग से प्लास्टिक की आंतरियां डालनी। तो मतलब आप खुद इतने बड़े इस्तराब से गम से गुजर रहे हैं, फिर माँ का गम, फिर बच्चे का गम। माँ को क्या हुआ था? अम्मी